नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं कृष्णा पाल। मैं अभी मौजूद हूं रांची के प्रेस क्लब में, जहां कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में अपने पहली सूची में 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आइए हम आपको सुनवाते हैं। आपको पता है, पहले तो सभी साथियों को जोहार, नमस्कार, सलाम। ये झारखंड राज्य में हमारी पहली विधानसभा चुनाव हमारे लिए है, ये पहला जंग है और पहले विधानसभा चुनाव के लिए ये पहली लिस्ट है। इसके बाद और भी लिस्ट हमारे निकलेंगे, हम और भी प्रत्याशी खड़ा करेंगे। ये पहली लिस्ट में हम 15 लोगों का नाम आज घोषित करेंगे और उसके बाद फिर बहुत जल्द दूसरी लिस्ट लेके आएंगे। तो मैं नाम पढ़ रहा हूँ। डाल्टनगंज 76, अभय सिंह चेरो। लिस्ट दे दिया जाएगा आप लोगों को। हाँ। विश्रामपुर 77, डॉक्टर मसरूर अहमद खान विश्रामपुर। हुसैनाबाद 79, कन्हैया विश्वकर्मा के विश्वा। 81, भवनाथपुर राजेंद्र पासवान भवनाथपुर। 45, घाटचिला एडवोकेट सुभाष समद, एडवोकेट सुभाष समद। 49, जमशेदपुर वेस्ट शंभुनाथ चौधरी। 53, मजगांव रोशनी सिंकू। 55, मनोहरपुर मुनीलाल सुरीन। 19, कोडरमा डॉक्टर संतोष मानव। 63, रांची राजन कुमार सिंह। 64, हटिया आलोक शरण प्रसाद। 36, बोकारो हरेंद्र नाथ चौबे। 5, नाला हेमकांत ठाकुर। 10, दुमका मीरू हंसदा। 80, गढ़वा उमा देवी। ये 15 नाम आज पहली लिस्ट में हम लोगों ने घोषित किया है और दूसरी लिस्ट बहुत जल्द लेकर के हम लोग फिर आएंगे। और मोटा मोटी ये पहला चुनाव, झारखंड का चुनाव, हम मान रहे हैं कि ये हमारे लिए चुनाव एक संघर्ष है और इस संघर्ष के रास्ते 24 तक में हम लोग झारखंड को पूर्णतः बदलने का हम लोग प्रयास करेंगे और 24 में हमारी सरकार होगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग 19 की इस लड़ाई को, जंग को शुरू कर रहे हैं और इसके बाद आम आदमी पार्टी पूरे झारखंड में कभी बैठेगी नहीं, कभी रुकेगी नहीं और 24 तक में आपको झारखंड में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो इस चुनाव को क्या माना जाए? इस चुनाव को हम लोग, चूंकि ये फर्स्ट चुनाव है हमारा, हम लोग लंबा चौड़ा दावा नहीं करते, हम लोग लंबी चौड़ी इस पर कोई ये नहीं करते, लेकिन हम इस चुनाव को मान रहे हैं कि ये हमारी शुरुआत है और इस चुनाव में हम मान रहे हैं कि 24 की पूर्णतः तैयारी के लिए ये चुनाव जरूरी था। इसलिए इस चुनाव को हम मान रहे हैं कि इसमें जो भी जीतेंगे हारेंगे, जो भी होगी उसकी समीक्षा होगी, लेकिन इसके बाद तुरंत ही हम झारखंड में शुरू करेंगे झारखंड को बदलने की लड़ाई, झारखंड में करप्शन मुक्त झारखंड को ये करने की तैयारी, ये हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ इस चुनाव को हम संघर्ष के रूप में ही देख रहे हैं। तो आपने सुना कि आम आदमी पार्टी जो 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, हम आपको सुनवाएं और हम आपको बता दें कि
आम आदमी पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है, जो उन्होंने साफ साफ प्रेस वार्ता में बोला है कि हम अभी जमीन तलाश रहे हैं और अपना जनाधार बनाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी 2024 में जो सरकार बनेगी झारखंड में, वो आम आदमी पार्टी की बनेगी। तो इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरें जानने पढ़ने के लिए देखते रहिए सिटी पुश। नमस्कार।